हमको गरीब बोलता है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। यानी कि अभी उम्र कितना होगा आपका? मेरा अभी 17 है, 17 चल रहा है। वीडियो में आने से पहले पढ़ाई छोड़ी है। मैंने पढ़ाई की 8 क्लास तक। तो उस समय पढ़ाई उठाई में मन नहीं लगता था? नहीं, पढ़ाई में। इंस्टाग्राम पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आपका वीडियो चलते रहता है, तो अभी कोई पसंद उसंद है कि नहीं है? अरे कोई पसंद, शादी उदी करना है ना? पूरे भविष्य में शादी नहीं करना, भविष्य में करना है। तो उस समय आपका रिएक्ट क्या होता है, जवाब क्या होता है? कुछ नहीं, अब सर जी को क्या बोल सकते हैं। पढ़ाई उठाई में मन नहीं लगता था? नहीं, पढ़ाई में हमको मन नहीं लगता। शुरू से क्या सपना था, क्या बनने का सपना था? कुछ नहीं। कुछ बगल में चंदन जी है। चंदन जी, सबसे पहले स्वागत है एसटी न्यूज में। थैंक यू। आपको जब ये कहते हैं मिठाई के रस वाला, जो कि कहाँ गया था, चाटने चला गया था, तो उस समय आपका रिएक्ट क्या होता है, जवाब क्या होता है? कुछ नहीं, अब सर जी को क्या बोल सकते हैं। मैंने कि सर जी का इज्जत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा चंदन जी, आप बचपन में, यानी कि अभी उम्र कितना होगा आपका? मेरा अभी 17 है, 17 चल रहा है। 17 साल। कितने साल के उम्र में आप वीडियो बनाना शुरू कर दिए? लगभग 4 साल से, यानी कि 13 साल की उम्र में। उससे पहले आप पढ़ाई उढ़ाई करते थे? नहीं, हम वीडियो में आने से पहले पढ़ाई छोड़ दिए। हमने पढ़ाई पहले करते थे? हाँ, पहले करते थे। कितने क्लास तक आप पढ़ाई? 8 क्लास तक। तो उस समय पढ़ाई उढ़ाई में मन नहीं लगता था? नहीं, पढ़ाई में हमको मन नहीं लगता। शुरू से क्या सपना था, क्या बनने का सपना था? कुछ नहीं। कुछ सपना रहा होगा ना कि हमें यह काम करना है? कोई सपना नहीं, ऐसे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिए। यानी तो वीडियो कैसे बनाए आप? शूट कर रहे थे ये रोशन भैया, यानी चंदन भाई और रोशन भाई दोनों आदमी शूट कर रहे थे। हाँ, तो हमारे चाचा हैं, तो हम देखने आए थे, तो बोले थे सीन करने के लिए, तो किए, उनको अच्छा लगा, तो उस समय से कर रहे हैं। उसके बाद आज लगभग 73-74 वीडियो काम में कर दिए ना। तो मैंने कैसा लगता है, यानी कि ये लोग के साथ आप काम करते हैं तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज के डेट में चंदन जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कहीं ना कहीं यह नेम फेम किसके बदौलत मिला है? ये हमारे चाचा और ये भैया। आप कहीं बड़े होकर के स्टार हो जाइएगा तो उसके बाद इनको छोड़ दीजिएगा? कैसे छोड़ देंगे, हम यहाँ से जाने के बाद कहीं नहीं कर पाएंगे, यहीं बोल दूल के करवा लेते हैं, हमसे तो होगा नहीं ऐसे। अच्छा, या एक बात बताइएगा, इंस्टाग्राम पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं? हाँ, आपका वीडियो चलते रहता है। तो अभी कोई पसंद उसंद है कि नहीं है? अरे क्या, कोई पसंद है? नहीं है। शादी उदी करना है ना? पूरे भविष्य में शादी नहीं करना, भविष्य में करना है, अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक डायलॉग अपना जो है, हमारे रिपोर्टर हम भीख मांगा गरीब, यानी ऐसी कुछ है जो काफी पॉपुलर हुआ था आपका, ये था पार्ले जी वाला। अरे वो डायलॉग नहीं, इसमें भी बोलता है गरीब बच्चा जुड़ चुका। हाँ, गरीब बच्चा जुड़ चुका है। हमको गरीब बोलता है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। किसको बोलते हैं आप? वही अमित शाह को बोलते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि जैसे हम लोगों को प्यार देते हैं, इनको भी प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और ये थे चंदन जी, जो कि बाई क्रिएशन जो चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें अमित परिमल जी आते हैं, उसी में चंदन जी हमेशा अमित परिमल जी के साथ रहते हैं, या दोनों मिल करके उस पर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।